हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेवन्थ। आपकी जो कक्षा सातवीं की पुस्तक है उसका नाम है पलाश। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर सेवन ओपन करेंगे तो आप पहले लेसन पर आ जाएंगे। जो पहला पाठ है उसका जो शीर्षक है वो है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये हमारे प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की सुप्रसिद्ध कृति कामायनी से ली गई है। इससे समझ में आता है कि कवि जो है वो नारी का सम्मान करता है, उसे श्रद्धा का पात्र मानते हैं। कविता के अंदर नारी के गुणों को, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को समझाया गया है। नारी के त्याग, समर्पण, बातों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। प्रथम चार लाइन में पढ़ रहा हूँ और उन्हें समझाऊंगा। फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। जो अभिनंदन है उसका अर्थ है स्वागत, मकरंद का अर्थ है सुगंध खुशबू, कुमकुम का अर्थ है सिंदूर रोली। इन पंक्तियों में कवि नारी के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारी के स्वागत में फूलों की कोमल पंखड़ियाँ भी बिखर जाती हैं। नारी को उस फूल के रस की भांति कहा गया है जो स्वागत के सिंदूर और चंदन रूपी टीके में अपनी खुशबू फैला देती है, अर्थात वह जहाँ जाती है वहाँ के वातावरण को अपनी उपस्थिति से खुशनुमा बना देती है। अगली जो लाइन है वो हम पढ़ रहे हैं। नारी जीवन का चित्र यही क्या, नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो अस्फुट रेखा की सीमा में, आकार कला को देती हो। इन पंक्तियों में विकल का मतलब होगा व्याकुल, अस्फुट होगा अस्पष्ट जो क्लियर नहीं हो, आकार मतलब ढालना, किसी को कुछ रूप देना। तो इन पंक्तियों में कवि स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या नारी के जीवन का यही चित्रण है कि वह अस्पष्ट सी सीमा रेखाओं में भी व्याकुल कर देने वाले रंगों को भरकर कला को एक नया आकार देती है, अर्थात नारी अपनी सीमित संसाधनों में, अपनी सीमाओं में रहकर असीमित काम कर देती है, एक नए संसार की रचना कर देती है। हम चार लाइन पढ़ेंगे। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं इतना ही सरल झलकता है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वह नारी के जो दान है, जो उसका त्याग है और जो उसकी सरलता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारी सिर्फ देना ही जानती है, वो उसके बदले में कुछ लेती नहीं है। परिवार में जो स्त्री होती है, माँ होती है, हमारी बहन होती है, वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से परिवार के लिए अपना समर्पण दे देती हैं और सबकी सेवा करती हैं, उसके बदले में वो किसी से कुछ भी नहीं चाहती हैं, वो इतना सरल स्वभाव उनका होता है। की पंक्तियां पढ़ेंगे। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। इन पंक्तियों में कवि नारी की महानता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नारी तुम अपने आंसुओं के संकल्प जल से क्या कहना चाहती हो। नारी को कह रहे हैं कि तुम्हारी समानता, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम विवाह उपरांत जिस नए घर में आई हो वहाँ पर तुमने स्वयं को ढाल लिया है, तुमने अपनी इच्छाओं को, अर्थात जो तुम्हारे सोने से मूल्यवान सपने थे, उनको तुमने त्याग कर नए परिवार में, नए घर में अपने आप को ढाल लिया है और सबका साथ मिलजुल कर रह रही हो। अगली जो चार पंक्तियाँ हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास हो विश्वास रजत नक्पकतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल। तो इन पंक्तियों में कवि नारी को श्रद्धा का पात्र मानते हुए, उसे आदरणीय और पूजनीय मानते हुए कहते हैं कि नारी अमृत के समान है, वो अपने उद्गम स्थल से बहती हुई एक समतल रूपी मैदान में आ गई है, मतलब एक नए परिवार में आ जाती है। और नारी को अमृत के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य को नारी के होने से ही जीवन दान की अनुभूति होती है, नारी मनुष्य को जीवन दान देती है एक तरीके से कहा गया है। अगली जो पंक्तियाँ हैं, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो नारी के हृदय की स्थिति बता रहे हैं, उसकी मनोस्थिति बता रहे हैं कि जिस प्रकार देवों और दानवों का युद्ध सदैव चलता रहता है और दानवों की सदैव पराजय होती रहती है, तो उसी प्रकार से नारी का जो मन होता है, जो हृदय होता है, उसके अंदर ही देव और दानवों के युद्ध के बाहर ही विचारों का उथल पुथल चलता रहता है और उसके मन में इन सभी चीज़ों का, कुछ चीज़ों का विरोधाभास सदैव बना रहता है, मगर वो हमेशा उसी चीज़ को महत्व देती है जो सही हो। चार लाइनें वो इस प्रकार हैं। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा।
जैसा कि ऊपर वाली लाइनों में बात करी है, पंक्तियों में बात करी है कि जो संघर्ष नारी के मन में चलता रहता है, बहुत बार उसे अपमान भी सहना पड़ता है, बहुत बार उसे अपनी मर्जी के विरुद्ध भी कई सारे काम करना पड़ते हैं, उसको वो सहन कर जाती है, वो अपने अकेली बैठ कर रो लेती है, अचल होता है, वह आंसुओं से भीग जाता है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि जो विचारों का युद्ध तुम्हारे मन में चल रहा है, उसके जो परिणाम स्वरूप तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और उससे तुम्हारा आंचल जो भीगता है, तो इसे अपने मन के भावों को व्यक्त करना होगा। हे नारी, तुम्हें अपनी इस मंद मुस्कान से युद्ध के बाद इस समझौते वाले कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे। अर्थात नारी जब अपने चीज़ों को स्वीकार कर लेती है वो, तो वो अपने दुख को अपनी मंद मुस्कान से छुपा लेती है। इस पाठ में हमारे जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने नारी के गुणों का की व्याख्या की है, उसे समझाया है, उसे बताया कि किस प्रकार एक नारी विवाह के बाद एक नए घर को बसाती है, लोगों को नया जीवन देती है, परिवार में कई सारे समझौते करते हुए अपने मन के अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए वो परिवार को हंसते खेलते संभालती है और एक नया संसार की रचना करती है। उसकी जो मीठी सी मुस्कान होती है, जो उसके पीछे उसका दुख छुपा लेती है, और वो सदैव वही निर्णय करती है जो उसके घर परिवार के लिए अच्छा होता है, भले से उसके लिए उसे अपनी इच्छाओं को मारना हो। तो नारी के त्याग को यहाँ पर सर्वोपरि बताया गया है, इसलिए नारी को श्रद्धा का पात्र कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी कविता है, इसको आप रिसाइट करेंगे, याद करेंगे, और इसकी 8 लाइनें, कम से कम 8 लाइनें आप अपनी कॉपी में लिखें। शब्दार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 8 पर है जो शब्दार्थ आपके, वो इस प्रकार हैं। अभिनंदन मतलब स्वागत, वेलकम। मकरंद मतलब फूलों का रस, नेक्टर। कुमकुम मतलब सिंदूर। विकल मतलब व्याकुल, रेस्टलेस। अस्फुट मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर। आकार मतलब ठोस रूप देना, किसी चीज़ को ढालना, टू प्रोवाइड ए शेप। अर्पण मतलब दान करना, सौंपना, डोनेशन, असाइन। उत्सर्ग मतलब त्याग, सेक्रीफाइस। संकल्प मतलब प्रण, रिजोल्यूशन। अश्रुजल मतलब आंसू, टीयर्स। श्रद्धा मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट। रजत मतलब चांदी सा, मतलब सिल्वर। पीयूष मतलब अमृत, एम्ब्रोजिया। स्रोत मतलब उद्गम स्थान, सोर्स। विरुद्ध मतलब विपरीत, अगेंस्ट। स्मित मतलब मंदहास, स्लो ह्यूमर। संधिपत्र मतलब समझौते का कागज, ट्रीटी।